और ये देखो सबसे बढ़िया चीज गाइस, बबलिंग डांसिंग बाइक है, डांसिंग। और देखो अभी लोग रोड पे कोई भी जा रहा ना तो इस बाइक को देख ही रहा है कि है क्या भैया, बात कोई देखो उधर से भी देख रहे भैया, इधर से भी देख रहे सब। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो गाइस आज है संडे और आज का हमारा पूरा घर का दिन भर का रूटीन क्या रहता है व्लॉग में वो चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलो, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में गाइस देखा भी होगा, पापा की तबीयत खराब हो गई थी और मैं इमरजेंसी में लखनऊ लेके गया था। हाँ गाइस इमरजेंसी कह सकते हो क्योंकि अचानक तबीयत खराब हुई थी, अचानक लखनऊ ले जाना पड़ा। तो अब तो पापा की तबीयत भी काफी रिकवर है, दो दिन हो गए दवा लाए लेकिन अच्छा उन्हें फील हो रहा है, मतलब पहले से कह रहे हैं कि मंगल अब मेरे को काफी आराम लग रही है, बट मंडे को फिर से जाना है मतलब कि कल। तो चलो आज देखते हैं घर में क्या क्या चीज हो रही है। लगता है कृष्णा गाना गा रही है, भजन मतलब। कृष्णा को पता ही लिए, देखो ये अपने काम में भेजी और आर्यन देखो क्या कर रहा है। पापा के लिए नहाने के लिए पानी, पापा के लिए पानी, ठीक ठीक। तो सोरी ने तो क्या किया गाइस पता है, सुबह मंदिर भी होके आ गई, श्री श्याम जी के, खाटू श्याम जी के मंदिर है ना, तो सुबह सुबह पूजा करके आ गई है। गाइस अरमान भी आ गया शॉप से नाश्ता लेके, और नाश्ता क्या लेके आया मैं आपको दिखाता हूँ, क्या लेके आया नाश्ता, जलेबी, जलेबी लेके आया गाइस ये, अरे देखो जलेबी, मतलब दो तीन दिन से जो ब्रेकफास्ट हो रहा है ना सिर्फ उल्टा सीधा हो रहा है, दही जलेबी खाने को मिल रही कहीं कुछ आप लोगों ने देखा भी होगा, चाय भी चल रही है। डांस क्यों कर रहे हो ऐसे, और कह रहा है दही जलेबी मेरे को, मतलब दही सॉरी दही नहीं जलेबी, जलेबी गर्म नहीं थी ठंडी जलेबी लेके आ गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है ठंडी जलेबी खाएंगे दही के साथ। वैसे अरमान घर का काम कर देता है, आर्यन एक दो बार भले मना कर दे पर अरमान मना नहीं करता है। आज के दिन की शुरुआत दही जलेबी से हो रही है, ब्रेकफास्ट है, बाकी सुबह मिल्क भी पी चुका हूं मैं, वैसे ठंडी ले आया एकदम, ये ठंडी जलेबी एकदम, बट कोई नहीं खा लो गुस्सा हो जाएगा बट आए। और एक चीज और बता दो आप लोगों को गाइस, आर्यन अरमान ब्लॉक में कम देखने को मिलेंगे बिकॉज इन लोग के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। किस डेट से पेपर है? 5 मार्च से पेपर है, तो आप थोड़ा इनकी पढ़ाई को फोकस करेंगे ये लोग अपनी, और इस बार अच्छे नंबर लाने हैं वरना इनकी मार पड़ेगी मार। अब किसे आप लोग का रिजल्ट जो है ना व्लॉग में मैं डिक्लेयर करूंगा, ठीक है गाइस। मैं जैसे घर के बाहर आया ना एक मस्त चीज देखने को मिली, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी और जितने मेरे मोहल्ले में लोग हैं सबने पहली बार देखी है। इमरान भैया पहली बार देखी ना? मैंने खुद पहली बार देखी है, और मैं दिखाऊं आपको, जैसे घर के बाहर आया ना दही जलेबी खा के वैसे ही नई चीज देखने को मिली, मस्त हो गया यार देखने, मतलब मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, मैं तो सोच रहा बनवा लो इसको, पूरा वीडियो बना नहीं तो इन लोग को दिखाएंगे आराम से दिखाएंगे। मोहल्ले में भीड़ इकट्ठी हो गई, सब फोटो खिंचवाने के लिए सब बैठने लगे। गाड़ी देखो आप कितना हिसाब से बनी हुई है, ये देखो, अरे इमरान भैया थोड़ा साइड तो हटो, ये देखो मतलब कितनी हिसाब से बनाई गई है, ये इस इन भाई की है, ये अभी इनसे पूछेंगे कितना पैसा लगा इसमें, ये क्या सिस्टम है, ये गियर है, ये गियर है, और ये देखो कितनी प्यारी मोटरसाइकिल लग रही है, ये हैंड ब्रेक है, पीछे बैक होती है। तुम फोटो खिंचवाओ पहले, तुम्हारा काम फोटो खिंचवाना है। अब इसको कोशिश करेंगे, भैया से कहेंगे यार चाबी दे दे चला के देखेंगे, मन तो कर रहा है इसको देखने का, और देखो कितने अलग से बनाएगी, और पीछे पहिया है ही नहीं इसमें, बिल्कुल पहिया ही नहीं है, ये सीए सिस्टम देखो कितना बढ़िया है, पीछे पहिया है नहीं, इसके दो पहिए सेट करेंगे। और मैं रियर से आपका व्यू दिखाता हूँ, अरमान ऑटो ये देखो कितनी प्यारी लग रही, UP 30AE 1777 नंबर भी अच्छा है, हरदोई का ही है, मस्त लग रही है ना इमरान भैया, गाड़ी बहुत जबरदस्त बनाई है, अभी पूछेंगे इसका कितने रुपए लगा है, साइड से देखो अब इस पे बैठ के देखते हैं कैसा लगता है। भैया हमें भी बैठ के देखने भाई, अभी भैया आएंगे तो चाबी मांग के देखेंगे, चला के देखेंगे, मैं भी फोटो शूट करवा लूँ थंबनेल के लिए। और ये देखो सबसे बढ़िया चीज गाइस, बबलिंग डांसिंग बाइक है, डांसिंग। हाँ शॉकर तो है ही।
अरमान भी बैठ के देख रहा है, अरमान पे कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है? अरमान के भी फोटो खींच लेते हैं। और देखो अभी लोग रोड पे कोई भी जा रहा है ना तो इस बाइक को देख ही रहा है कि है क्या कोई। देखो उधर से भी देख रहे भैया, इधर से भी देख रहे, सब लोग देख रहे। देखो चाचा भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे। मेरे को भाई एक चीज नहीं समझ आ रही, ये गियर ये क्या है? उस साइड पे गियर लगा हुआ है, ये आई थिंक पता नहीं लॉक करने के लिए क्या, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। हैंड ब्रेक यहाँ कहाँ से आ जाएगा? ये देखो इस टाइट पे क्लच दिया गया है गियर का, मॉडिफिकेशन बहुत तगड़ी हुई है भाई। ऑनलाइन देखी थी मैंने, देखो मॉडिफिकेशन देखो। और सबसे बढ़िया पीछे स्टोरेज रखने के लिए इसमें बॉक्स दिया गया है। देखो जैसे अमेरिका में चलता बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता। अभी देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ रोड पे, जो लोग भी देखते निकलते हैं ना तो वो कैसे नोटिस कर रहे हैं, इस बाइक को दिखाता हूँ। लेकिन भीड़ कम हो गई यहाँ पे, कम हो गई सिर्फ। देखो ये भाई लोग भी देख रहे हैं, देखो उधर से भी रिएक्शन आ रहा है। देखो इस बाइक का रिएक्शन देखो, ये अरमान कितना खुश है, ये देखो। गाइस देखो यार भैया ने चाबी दे दी, भाई आप भी बैठो यार, अकेले नहीं चलाऊंगा मैं। भाई बैठिए प्लीज। जय श्री राम, बैठो भाई। गियर वेयर बता देना, ये गियर वाला सिस्टम है कुछ, मेरे को तो खुद नहीं समझ में आ रहा। यार मेरे को तो डर लग रहा है यार, मेरे से गाइस चल नहीं रही रियली, मैं नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि एक एक साइड भाग रही है, इसीलिए मैंने इनको पीछे बैठा था। इसीलिए मैंने गलत तो नहीं किया बैठा के? देखो मैंने गलत नहीं किया, मेरे को क्योंकि सामने से तो बाइक ही लग रही लेकिन पीछे से कार है, पीछे दो पहिए लगे और जनरली मेरे को समझ में नहीं आई। तो भाई रिस्क नहीं लेंगे, भैया की मोडिफिकेशन भी बेकार होगी और हाथ पैर टूट जाएंगे जो अलग। अब देखो इनका चलाने का तरीका देखना, ये देखो एक तरफ भाग रही थी इसीलिए, ये देखो अब ये पीछे भी ले लेंगे, ये देखो इनकी हैबिट पड़ी हुई है। तो ठीक टाटा तो कर दो। ये देखो ठीक ठीक ठीक, ये देखो मजे से लेके जा रहा हूँ उड़ा कर। भाई मेरे बस की बात नहीं, जनरली मेरे बस की बात नहीं, मेरे को तो मतलब बिल्कुल भी। अरमान भी दंगा रह गया कि चाचू चला नहीं पाए यार। जनरली वो मतलब इस साइड में लेके जा रहा हूँ तो वो इस साइड भाग रही, इस साइड लेके जा रहा हूँ तो इस साइड भाग रही, पूरा गंदा सिस्टम हो गया। बट कोई नहीं यार, होता है कभी कभी, मेरे को बुरा नहीं लगा बट मैंने कभी चलाया ही नहीं ना, इसीलिए मेरे को बुरा नहीं लगा। बट गाड़ी मस्त थी यार, मस्त बनाई हुई उसने, मॉडिफिकेशन बहुत मस्त थी, है ना अरमान? ना जैसे घर पे आया ना मैंने आर्यन से चीज कही, आर्यन बोला कौन सी बाइक थी, ये घर से बाहर ही नहीं निकला, बल्कि ये बाइक का बहुत शौकीन है, इसका दिल टूट गया। अभी इसको मैंने वीडियो दिखाया नहीं, जो हम लोगों ने शूट किया हुआ है व्लॉग वो भी दिखाया। अरमान बस देला भाई, मैंने सोचा इसने देख लिया होगा बट इसने कहीं रियली देखा ही नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ। मजा आई, इसका दिल टूट गया, सच बताओ नहीं टूटा? अरे बता दो, रुको जरा सब। इसको मैं बाइक दिखाता हूँ इसको मैं। अभी गाइस आर्यन को वीडियो दिखाना है तो आर्यन बता रहा है इसी की दोस्त की बाइक दी है। वो लड़का वैसे सामने ही रहता है गली में हमारे, लेकिन मैंने ये नहीं देखा था उसने बाइक मॉडिफिकेशन करवा ली अपनी बुलेट। आर्यन कह रहा मैंने तो देखी हुई है चाचू, देखी है? कब देखी थी? जब स्कूल से आ रहा था। बच गया फिर। निंजा हर दो में कौन लाएगा, इतनी कॉस्टली बाइक कौन लाएगा, कोई नहीं। निंजा कितने की आती है वैसे? निंजा 16 से स्टार्ट होती है, मतलब 16 लाख से स्टार्टिंग होती है उसकी। भाई भूल जाओ निंजा हरदोई में, निंजा जेड एन एक्स टेन आर तो कोई नहीं लाएगा, इतना तो मेरे को पता है।
और आज का जो भी मैंने बुलेट का जो भी मॉडिफिकेशन देखा था ना गाइस, खैर वो बंदा मेरे को बोला था कि भैया पूरी मतलब बाइक का भी जो रेट लेके और जो मॉडिफिकेशन था तो 4.5 लाख रुपए बताए थे मेरे को, तो मेरे को तो कॉस्टली लगा, लेकिन बाइक मिला के उसने कहा तो कॉस्टली ज्यादा नहीं था। जो मॉडिफिकेशन जो रियर का था ना, जो दो पहिए लगे थे, जो पीछे का पूरा मॉडिफिकेशन था, उसमें 1,60,000 रुपए बताए लगे होंगे यार गाइस, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि दो पहिए भी लगे थे, बाकी आपने पूरा मॉडिफिकेशन भी देखा है, गाड़ी मस्त तो लग रही थी यार, रियली मस्त। बाकी गाइस आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, मेरे को तो बहुत ही प्यारी लगी, भले मैं चला नहीं पाया वो बात एक अलग की है, बट रियली बता रहा हूँ मेरे को काफी अच्छी लगी थी बाइक, क्योंकि देखने में भी अच्छी लग रही थी, बट चलाने में यार थोड़ा डिसबैलेंसिंग लगी। हाँ एक दो बार चलाते तो शायद चला लेते, बट गाड़ी अच्छी लगी थी, बहुत मस्त गाड़ी लगी। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आर्यन का जो इन्होंने फेस कट बनाया ना, जनरली मेरे को ठीक लगा, बस थोड़ा चेहरे में थोड़ा इसका चेहरा जो है ना थोड़ा लंबा है, लेकिन इसने इसमें थोड़ा चेहरा फैला दिया, चौड़ा कर दिया, ये देखो। और कैसा लग रहा है कैसा नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना भी तो नॉर्मल चेहरा करके बैठो इसी की तरह, ये देखो। बस इसने क्या कर दिया ना, इसमें ड्राइंग में जो है ना थोड़ा चेहरा चौड़ा कर दिया, इसका लंबा थोड़ा चेहरा है, बट मेरे को अच्छा लगा जेन्युइनली। बाकी आप लोग को कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में इसने कंप्लीट किया है, तो वही चीज़ है ना, धीरे धीरे सीखेंगे तभी कर पाएंगे पूरा कंप्लीट। तो ड्राइंग इन्होंने इतनी बनाई है, बट पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया है जो मेरे को लगता है, क्योंकि पहले बना नहीं पाते थे ना, सेट सही से कर पाते थे, और उसमें जो कहते हैं ना हम लोग सेट देते थे पहले तो वो भी नहीं दे पाते थे, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इम्प्रूव किया अपने आप को थोड़ा, तो धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे सीखेंगे, है ना आर्यन, तो धीरे धीरे कोशिश करते रहो, सीखते रहो, ठीक है। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग जो भी था गाइस, आज पूरे दिन भर का रूटीन जो भी था, जितना भी ब्लॉग था तो मैंने आप लोग के साथ शेयर करा, उम्मीद करता हूँ गाइस आज का ब्लॉग आप लोग को काफी अच्छा लगा हो, मैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा ताकि हमारे आने वाले ब्लॉग्स आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, टेक केयर, टेक केयर। चाचू चाचू क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो चाचू, क्या कह रहे हो, हायाबुसा कितने की मिलती है कमेंट में जरूर बताना। हायाबुसा आई थिंक 12-13 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, इसमें क्या कमेंट से। तो चलो गाइस बाय, टेक केयर।